टुकड़ों में विभक्त हो गया। कहीं इनसे सब आहत ना हो जाए, मुझे इन्हें बचाना होगा। सखा, हाँ। प्रतीत होता है अब कुछ और ही युक्ति लगानी होगी। सागर जय कपीसति लोक उजागर भूत अतुलित बल धामा जन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय असंभव, इस पर्वत के टकराने से भी इस मरकट को कुछ नहीं हुआ और उसने खंडित पर्वत से उत्पन्न शिलाओं को भी एक स्थान पर एकत्रित कर लिया। बाली भैया अवश्य पुनः ऐसा वार करेंगे जिससे दूसरों को क्षति पहुंच सकती है। मुझे युद्ध का स्थान ही बदलना होगा। इन पर्वत खंडों से मैं इस असुर को रोकता हूँ और वाली भैया को अंतरिक्ष में ले चलता हूँ। ये उसकी एक नई चाल है। मुझे संदेह हो रहा है कि बाली संध्या तक उस वानर बालक के समक्ष टिक पाएगा अथवा नहीं। बारिश भी उसकी सहायता नहीं कर पाया। माया भी जाओ और अपने माया का चक्र चलाकर उस वानर बालक को ऐसे फंसाओ कि वो सदा के लिए समाप्त हो जाए।
जो आ गया लंकेश। मरकट मुझे अंतरिक्ष में भेजकर सोच रहा है कि मुझसे युद्ध करने से बच जाएगा। भूल है ये उसकी। बाली भैया, आप युद्ध को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? महानतम वाली, युद्ध छोड़कर जाने वालों में से नहीं है मरकट। संख्या ऐसे बढ़ कैसे गई? ऐसी शक्ति तो मेरे पास भी नहीं है जिससे एक व्यक्ति के इतने सारे स्वरूप हों। ये आसुरी मायावी शक्ति है। अब बाली को आसुरी मायावी शक्तियों से और बल प्राप्त होगा। वानर बालक की कठिनाइयां बढ़ जाएंगी और बाली को इंद्र द्वारा दिए गए शक्तिशाली आभूषण की शक्ति का प्रयोग कर वानर बालक पर विनाशकारी आघात करने का अवसर प्राप्त होगा। नारायण नारायण, यदि ये कुटिल कपटी असुर हनुमान का ध्यान बांटने में सफल हो गए तो वास्तविक वाली को हनुमान पर इंद्र के दिव्य आभूषण से महाघातक दिव्य शक्ति का वार करने का अवसर मिल जाएगा। हनुमान अपनी आधी शक्तियां पहले ही गवा चुका है। ऐसी अवस्था में इस दिव्य शक्ति से हनुमान की प्राण संकट में डाल सकती है। मरकट इस माया ने तो दुविधा में डाल दिया है। पांच वाली भैया है, किस पर वार करूं? यदि मुझसे भूलवश वास्तविक वाली भैया पर वार हो गया और उन्हें कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, वाली भैया का अहित नहीं चाहता मैं। महारानी माँ को दिए हुए वचन को भी निभाना है मुझे। सुग्रीव की रक्षा तो करोगे किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। कैसे पहचानूं सत्य में कौन से है वाली भैया? हाँ।
भैया को पहचाने बिना मैं घातक प्रहार नहीं कर सकता। इतनी विकट परिस्थिति में भी किष्किंधा की महारानी जी इतनी शांत कैसे प्रतीत हो रही हैं? इन्हें अपने पुत्र की या युद्ध के परिणाम की कोई चिंता नहीं? हनुमान, संभालो मेरा प्रहार। हनुमान, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। हनुमान का ध्यान भटक रहा है, यही उचित समय है जब देवराज इंद्र द्वारा दिए गए दिव्याभूषण से अमोघ शक्ति उत्पन्न करके हनुमान पर वार किया जाए। वाली भैया के गले में ये कंठार अन्य सबको भी देखता हूँ। तो कंठार धारण किए हुए वाली भैया ही वास्तविक है, अन्य सब मायावी राक्षस हैं। अब होगा इस मरकट का अंत, साथ ही होगा इस युद्ध का भी अंत। दिव्य कंठहार, अमोघ शक्ति प्रकट करो। हनुमत ज्ञान गुण के सागर, बुद्धि विवेक में है आगर। हनुमत युक्ति शक्ति सुफल, वाली की चाल करते अमोघ शक्ति प्रकट हो। स्वर्ग के अस्तगार का कंठहार, इसकी दिव्य अमोघ शक्ति तो महाघातक है। हनुमान का आधा बल तो वाली के पास चला गया है। हनुमान अपने आधे बल से इस दिव्य अमोघ शक्ति का सामना कैसे कर पाएगा? नारायण नारायण। स्वर्ग के इस कंठहार से उत्पन्न अमोघ इंद्र शक्ति तुम्हारा अंत कर देगी हनुमान। अब तुम अपने आधे बल से इसका सामना नहीं कर सकते। शक्ति, यदि वाली भैया ने इसका प्रहार कर दिया तो इंद्रदेव के सम्मान के लिए मुझे इसका सामना करना ही होगा। उचित होगा मैं वाली भैया को प्रहार करने से पूर्व ही रोक दूं। महारानी जी का ये व्यवहार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मूर्ख वानर बाली, तुम उस छोटे से वानर बालक के चतुराई के समक्ष कुछ नहीं कर पाओगे। दुष्टता और अत्याचार में आखंड डूबे हैं वाली भैया, और दूसरी ओर हम सबसे ही नहीं वाली भैया से स्नेह रखने वाला निश्चल हनुमान, जिसकी आधी शक्ति भी वाली भैया के पास चली गई होगी। हे प्रभु, सत्य और न्याय पथ का अनुसरण करने वाले हनुमान की रक्षा करना। हा!
तुम्हारे कारण मेरा दिव्य कंठहार ना जाने कहां गिर गया। और कट, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तुमसे ही प्राप्त हुई आधी शक्ति से मैं तुम्हारा अंत करूंगा। मुझे सुग्रीव भैया की सुरक्षा के लिए विवश होकर ऐसा करना पड़ रहा है। सुग्रीव भैया की रक्षा करनी है मुझे। अरे हो क्या रहा है? आ गया वो महान तंबाली जिसने मुझे लंकेश प्रशालन को परास्त किया था। कहा गया मुक्त कर मुझे वानर फलक, मुक्त कर मुझे वानर। बाघ जैसे आखेट से पूर मृग से क्रीड़ा करता है, ऐसे क्रीड़ा कर रहा है ये वानर बालक बाली के साथ। ये दुर्भाग्य है मेरा जो मेरे नेत्र ये देखने को विवश हैं कि एक अनुज भ्राता अपने ज्येष्ठ भ्राता को मार रहा है। तीरे से हनुमान, तुम्हारा हर प्रहार मेरे हृदय को आघात पहुंचा रहा है। उठ, एक माँ को दिया हुआ वचन स्मरण रखना। महारानी जी का विवाह असमंजस उत्पन्न कर रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि महारानी जी न्याय और सत्य की पक्षधर है या अन्याय और अत्याचार की। वानर बालक तो बाली की दुर्दशा करके रख देगा। यदि प्रथम दिवस ही बाली परास्त हो गया तो मेरी योजना विफल हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। किंतु लंके, वानर के तीव्र वार के समक्ष बाली सूर्यास्त तक नहीं टिक पाएगा। लंकेश, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये युद्ध सूर्यास्त के पूर्व ही समाप्त हो जाएगा। नहीं, कल नहीं, नहीं। रावण ये कदापि नहीं होने देगा। बाली के परास्त होने से पूर्व ही तुम मायावी मेघों से सूर्य को ढक दो, तभी का ध्यान युद्ध में लगा होगा और तुम सूर्यास्त कर दोगे। उन्हें लगेगा कि सूर्यास्त हो गया और वो युद्ध रोक देंगे। शीघ्र ही जाओ, कालने में जाओ। अवश्य लंकेश। अपने ही पिता भ्राता और मित्र के साथ घात किया है इसने। अंत कर दो इसका। सारी प्रजा वाली का अंत चाहती है। कहीं उनकी बातों में आकर हनुमान सत्य में वाली का अंत न कर दे। सुमेरु के राज मुकुट पर आपका कोई अधिकार नहीं है, तो फिर उतारिए उसे और रख दीजिए उसे मेरे चरणों पर।